आज मेथी से बनाएंगे एक नए तरीके का चटपटा मजेदार सा नाश्ता, जिसे एक बार बनाएंगे और हफ्ते भर तक खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले गैस पर पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल, आधा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स और अब हम डालेंगे इसमें 2 कप पानी। इसे बनाने के लिए हमने पानी को नाप कर लिया है, तो हमें कोई भी कटोरी या कप से आप नाप लें। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और बस। अब हम ये चीजें मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें हल्का सा उबाल नहीं आने लग जाता। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल इस समय पर आने लगा है, हल्के से बबल्स आप देख रहे होंगे। अब हमने उसी कप से नाप कर ली है 1 कप सूजी। थोड़ी थोड़ी सूजी डालेंगे इसमें। इस समय पर हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इसे दूसरे हाथ से हम चलाते रहेंगे। बेसिकली हमें इसका एक तरीके से डो तैयार करना है। बस इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो सूजी को हमें इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और बिल्कुल एक डो की तरह से तैयार कर लेंगे। आज की जो स्नैक्स हम तैयार कर रहे हैं वो सूजी और मेथी से तैयार कर रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगता है और जब भी बच्चों का मन करे आप तुरंत से उन्हें फ्राई करके दे सकते हैं। तो देखिए, आटे को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। इसे बिल्कुल एक डो, जैसे हम रोटी पराठे के लिए डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का करना है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये स्टीम में ही कुक हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिए थोड़ी सी मेथी, करीब 100 ग्राम मेथी ली है और हमें मेथी को अच्छे से धो लिया है। मेथी की केवल हमें पत्तियां यूज करनी है, कोई भी डंठल इसकी नहीं लेंगे। इसे हमें बारीक बारीक काट लेना है। मेथी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और साथ ही आजकल जो सर्दियों में मेथी आती है बहुत हरी और फ्रेश होती है और बच्चे खाना पसंद भी नहीं करते हैं, तो इस तरीके से जब उन्हें सूजी के नगेट्स बना कर देंगे तो वो बहुत ही झटपट उन्हें खा भी लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिए उबले हुए आलू, तो 4 से 5 आलू को उबाल कर ठंडा कर लिया है और उन्हें अब हम कद्दूकस कर लेंगे। आप इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए कोई भी गांठ, कोई भी लम्स नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसे कद्दूकस कर रहे हैं। तो आलू तो हमने कद्दूकस कर लिए हैं, अब जो मेथी हमने काटी थी उसको इसमें मिक्स कर देंगे और आटा भी जो हमने सूजी का तैयार किया था उसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल डो की तरह है, जैसे हम रोटी पराठे के लिए गेहूं का आटा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके का है। इस समय पर आटा हल्का गर्म है और हम इसे देखिए जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से पंच करते हुए इसे स्मूथ कर लें। ध्यान रखें हल्का गर्म हो तभी करें, वरना तो हाथ के जलने का काफी डर रहता है, इसमें काफी गर्म होता है। अब जो ये आटा है इसको हम आलू और मेथी के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें बाइंडिंग भी देनी है और ये भी कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्प कैसे बने, तो इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं अरारोट। तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच अरारोट डालेंगे। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो अब ये सभी चीजें मिक्स करेंगे और बिल्कुल आटे की तरह इसको तैयार कर लेंगे। अगर ये हाथ पे आपको बहुत ज्यादा चिपक रहा है, डो नहीं बन पा रहा है, तो आप इस पे 1 चम्मच ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आटे की तरह मैंने तैयार कर लिया है और अब हम इसमें से कुछ पोर्शन लेंगे और उसके एक बड़े साइज की बॉल हम तैयार कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसको चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे। चॉपिंग बोर्ड पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे पहले और बस हम इसे रोल तैयार करेंगे। तो हम इसे पतला रोल इसका तैयार कर लेते हैं।
देखिए इस तरह से हमने इसके करीब 1.5 से 2 इंच मोटाई में रोल तैयार कर लिया है। अब चाकू पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने सभी नगेट्स तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन जाती है और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। जो बच्चे मेथी खाना पसंद नहीं करते तो वो भी इसी तरह से मेथी को खा लेते हैं। और आप ये नगेट बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो बस जैसे ये इस तरह पर चॉपिंग बोर्ड पर रखें, आप एयर टाइट डब्बे में रखें और इन्हें 1 हफ्ते के लिए फ्रीजर में रख दें। तो चलिए अब हम कुछ फ्राई कर लेते हैं और कुछ नगेट्स हम उठा कर रख देंगे। इस समय पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और ऑयल को भी मीडियम हीट पर गरम किया है। तो अपने सभी नगेट्स हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप फ्रीजर से निकाल कर फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल को हमें बहुत हाई हीट पर गर्म करना है। जब ऑयल बहुत तेज गर्म हो जाता है तभी हमें नगेट्स को इसमें फ्राई करना है। तो कुछ देर तो हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे फोक से हल्का सा नीचे से देखिए इस तरह से हिलाएंगे। बस अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो टू मीडियम हीट पर गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए इसमें हल्का सा कलर आ गया है लेकिन अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये नगेट्स बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मेथी के आपने बहुत सारे नाश्ते जरूर बनाए होंगे, पकौड़े भी कटलेट भी, लेकिन जब ये बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बच्चे तो बस एकदम देखते ही टूट पड़ते हैं, इतने टेस्टी नगेट तैयार होते हैं ना। तो सभी नगेट्स हमने तैयार कर लिए हैं यहाँ पर और देखिए कितने क्रिस्पी भी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट। आप इसे टमाटो केचप के साथ, धनिये की चटनी के साथ किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।